तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखा कितना बेशरम इंसान है ये। अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए, अब से नंबर मांग मांग कर रहा है। ये नंबर हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा ये। अरे देवा, ये तो सोनू से भी नंबर मांग सकता है। ए सोनू, ए सोनू, आले आले। हाँ बाबा। सोनू, पोपटलाल तुमसे सुधाकर मामा या विद्या का नंबर मांगने की कोशिश करेगा, बिल्कुल मत देना उसे नंबर। मतलब पोपट अंकल उनका नंबर क्यों मांगेंगे? काजल बड़ा। अच्छा ये बात है। बाबा तुम्हें टेंशन न का घेऊ, मैं पोपट अंकल को किसी का नंबर नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। हाँ शाबाश। ये पोपटलाल समझ ही नहीं रहा है, कितनी बार उसे समझाया कि भाई मामा नहीं मानेगा, साफ साफ मना किया नंबर नहीं मिलेगा, फिर भी आ रहा है मांगने बार बार। कि अपने रिश्ते के चक्कर में ना मामा के साथ हमारा रिश्ता तोड़ देगा वो। कुछ भी हो जाए उससे नंबर नहीं मिलना चाहिए। हाँ हो बाबा। ये भिड़े एक नंबर का जिद्दी है, ना खुद मामा और विद्या जी का नंबर देगा ना किसी और को देने देगा। क्या करूं क्या करूं। एक काम करता हूं, मैं खुद ही शिवगंगा जाकर विद्या जी से मिल लेता हूं। वैसे भी ज्योतिषी ने कहा था। एक बात का ख्याल रखना, आने वाले 2 दिन आपके बहुत संघर्ष के हैं, लेकिन उसके बाद आपके यश योग प्राप्ति के संकेत हैं। ये मौका मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे शिवगंगा जाकर विद्या जी से बात करनी ही होगी। पोपट अंकल, हाय पोपट अंकल। गोली बेटा तू अभी कहाँ है? मैं तो घर पे हूँ। देख तुझसे ना एक बहुत जरूरी काम है, तू अभी कभी मेरे घर आ सकता है? हाँ तो आप दरवाजा खोल के रखिए, मैं अब भी हाजिर हो जाऊंगा। पोपट अंकल। अरे वाह वाह गोली, तू तो बहुत फटाफट आ गया। अरे वाह गोगी भी आया। पोपट अंकल मैं घर से जब आपके घर पे आ रहा था ना, तब कंपाउंड में मुझे गोगी मिल गया, तो आपने बोला था कुछ जरूरी काम है, तो मैं गोगी को भी साथ में लेके आ गया। मैंने सोचा एक से भले 2, 2 से भले 3, लेकिन 3 तिगड़ा काम बिगड़ा भी तो होता है। अरे गोगी बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या बोल रहा है तू? अगर मन साफ होना तो हर काम अच्छा होता है। हाँ गोगी आप बताइए क्या बात है? बैठो 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 बताओ। बच्चों तुम दोनों को आज अपने पोपट अंकल का एक बहुत जरूरी काम करना है। पोपट अंकल आपने हमें जिम्मेदारी दी है तो समझो काम हो गया। थैंक यू बच्चों। तुम दोनों को भिड़े के घर जाना। भिड़े के एक मामा है सुधाकर मामा, वो शिवगंगा गांव में रहते हैं। उनका फोन नंबर या उनकी बेटी विद्या जी का नंबर भिड़े से लेकर तुम्हें मुझे देना। और आपको भिड़े अंकल के रिश्तेदारों से क्या काम है? बताता हूँ वो क्या है। बात आपके रिश्ते की है। हाँ पोपट अंकल बात आपके रिश्ते की है। हम कैसे भी करके सुधाकर मामा का या फिर विद्या आंटी का नंबर लेके आएंगे। बेटा अभी तक विद्या आंटी बनी नहीं है, पर होगी तो सही ना। होगी होगी जरूर होगी, लेकिन होगी ना तब आंटी बोलना। अच्छा ठीक है। अभी भिड़े के घर जाकर विद्या आंटी मत बोल देना। नहीं 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 डोंट वरी। जाओ 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 बच्चों जल्दी जाओ और नंबर लेकर आओ। लेकिन भिड़े अंकल नंबर देंगे? वो भिड़े अंकल से अच्छा तो सोनू से नंबर ले लेते हैं। हाँ अरे गोगी बेटा सोनू नंबर नहीं देगी। अभी तो मैंने पूरी कहानी बताई, और अभी तो तुम दोनों बोल रहे थे कि पोपट अंकल आपने जिम्मेदारी दी है तो समझो काम हो गया, तो अभी क्या हुआ? और गोगी बेटा तू तो शेर पुत्र है, डर गया? अरे नहीं 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 पोपट अंकल नंबर तो आपको ला कर ही देंगे। ये हुई ना बात। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट बच्चों। अंकल चल भिड़े तू जिद्दी है तो मैं भी तेरा दोस्त हूँ। विद्या जी से एक बार मिले बिना ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगा। हाय भिड़े अंकल कैसे हो आप? हेलो भिड़े अंकल कैसे हो आप? वाह कमाल है, आज अचानक मेरा हाल पूछने चले आए। ये क्या बात हुई भिड़े अंकल, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम आपको मिलने ही नहीं आते। हाँ भिड़े अंकल दिस इज नॉट फेयर। ओ ड्रामेबाज बताओ कैसे आना हुआ? अगर सोनू को मिलना है तो सोनू घर पे नहीं है, वो माधवी के साथ बाहर गई है। नहीं नहीं भिड़े अंकल, हम आपसे मिलने आए हैं। हाँ मुझसे? मुझसे क्या काम है भिड़े अंकल? आपके फायदे की बात है। मेरे फायदे की? हाँ, एक ऐसा ऐप आया है भिड़े अंकल जिससे आपको आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बहुत फायदा होगा। हाँ अच्छा, ऐसा कौन सा ऐप है? आपका फोन दीजिए। आपका फोन तो दीजिए। क्यों? भिड़े अंकल आपके फोन में मैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके देता हूँ और सारे फीचर्स ऐड करके देता हूँ, लाइए। हाँ अरे तो तुम मुझे बोलो ना कौन सा ऐप है, मैं डाउनलोड कर दूंगा। वो क्या है ना भिड़े अंकल, आप ऐप तो डाउनलोड कर दोगे, वो तो बहुत ईजी है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? वो एप्लीकेशन की सेटिंग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ओह ये तुम बोल रहे हो? अरे भिड़े अंकल एक्चुअली क्या है ना, हमने इस एप्लीकेशन के बारे में काफी R&D कर लिए, हम लोग सारे फीचर्स सेट करके देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाने का आधा टेंशन खत्म। और अगर ऐसा हुआ तो आपके अभूतपूर्व विद्यार्थी होने के नाते, अभूतपूर्व नहीं भूतपूर्व, हाँ तो वही भूतपूर्व विद्यार्थी होने के नाते हमें बहुत खुशी होगी और हमें भी गर्व होगा कि हमने हमारे अभूतपूर्व भूतपूर्व नहीं नहीं यहाँ चलेगा, तो हमें भी गर्व होगा कि हमने हमारे अभूतपूर्व शिक्षक के लिए कुछ किया। आइए भिड़े अंकल आपका फोन दीजिए। हाँ। गुलाब कुमार और गुरुचरण सिंह, जैसा कि आप दोनों ने कहा कि आप दोनों मेरे भूतपूर्व विद्यार्थी हो। एब्सोल्युटली। और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, बराबर? ऑलवेज। तो तुम दोनों ये बात भी जानते होंगे कि गुरु अपने शिष्य की रग रग से वाकिफ होता है। हाँ। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे मुझे मामा बना के मेरे पास से मेरे मामा का नंबर लेने आए हो। मामा का नंबर? ओहो क्या कोऑर्डिनेशन है। आपके मामा का नंबर लेके हम क्या करेंगे? नहीं तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम दोनों को यहाँ पे जासूस बनाकर भेजा गया है। बोलो पोपटलाल नहीं भेजा है तुम दोनों को यहाँ पे? बोलो। ये पोपटलाल भी ना सुनिए ना भिड़े अंकल, आप अगर पोपट अंकल को आपके मामा का नंबर दे दोगे और पोपट अंकल आपके मामा के साथ बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ और कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो पोपट अंकल है ना संभाल लेंगे, आपको तो बस उनको नंबर ही तो देना है आपके मामा का। हाँ आप बिल्कुल पिक्चर में आओगे ही नहीं। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ मैं तो कहीं बीच में आने वाला हूँ ही नहीं। नहीं करेक्ट है, आप दोनों की बात बराबर है, मुझे मामा का नंबर दे देना चाहिए। पोपट अंकल के नंबर पे ही सेंड कर दो ना नंबर। हाँ। नहीं, नहीं 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 क्या है ना मुझे पोपट अंकल को सॉरी बोलना, मैंने मना किया था ना। हाँ, अच्छा तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं नंबर लिख के देता हूँ। अच्छा देखो गोया, मैंने इस पे सॉरी तो लिख दिया है लेकिन खास मेरी तरफ से उसको सॉरी बोल देना। ठीक है थैंक यू भिड़े अंकल। अब आएंगे भिड़े ने नंबर दिया हो तो अच्छा है। पोपट अंकल ये लीजिए। ये क्या है? भिड़े अंकल ने आपको सॉरी कहा है और इसके अंदर मामा का नंबर लिख के भेजा। भिड़े ने खुद अपने हाथों से नंबर लिखकर भेजा। यस 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 पोपट अंकल, भिड़े अंकल ने खुद अपने हाथों से उनके मामा का नंबर लिखा है। और कैसे नहीं लिखते, हमने समझा ही ऐसा कि वो नाम बोल ही नहीं सकते थे। और नहीं तो क्या। अरे शाबाश बच्चों ये तो गजब हो गया। ला 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 दे 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 दे। नंबर नंबर। सॉरी पोपटलाल मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे पता चल गया है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अब तुम्हें निर्लज्ज निगरगट्टा कहने का भी कोई मतलब नहीं। तुम तो उन शब्दों से भी बड़े हो गए। पर फिर भी अब भी तुम्हें नंबर चाहिए तो इस कागज के पीछे जो नंबर है वहां पे फोन करो और बात कर लो। गोली गोगी क्या हुआ पोपट अंकल? क्यों हो गया? अरे ये देखो क्या नंबर दिया, 100। क्या ये भिड़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं वही सोचूं कि इतना जल्दी कैसे पिघल गया। गोली भीड़ अंकल ने तो हमें बेवकूफ बनाया। अरे यार अब हम सुधाकर मामा का नंबर कैसे लाएंगे? भिड़े माधवी भाभी और सोनू से तो नंबर मिलने से रहा, अब सुधाकर मामा और विद्या जी का कांटेक्ट कैसे करेंगे? एक मिनट पोपट अंकल, आपने कहा था कि विद्या जी शिवगंगा गाँव में रहते हैं राइट? हाँ। और वहाँ पे स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ, तो पोपट अंकल शिवगंगा तो एक गांव है ना, तो एक गांव में एक से ज्यादा स्कूल तो होगी नहीं, तो स्कूल का नंबर निकालना तो काफी इजी होगा। ट्राई तो कीजिए। यस यस वेरी गुड आइडिया। मैं अभी लैपटॉप लेकर आता हूँ। मिल गया बच्चों, शिवगंगा गांव की सरस्वती प्राथमिक शाला, इसमें नंबर भी दिया है। जी वाह, इसका मतलब आपका काम हो गया जी। हाँ पोपट अंकल वो स्कूल में फोन करके आप कंफर्म कीजिए ना। हाँ बोला सरस्वती प्राथमिक शाला कौन बोलते हैं? शिवगंगा गांव वाली सरस्वती प्राथमिक शाला है ना? ओ साहब बोला आपके स्कूल में कोई विद्या जी पढ़ाती है? हाँ आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे आपके स्कूल के बारे में एक आर्टिकल लिखना है इसलिए पूछ रहा था। अच्छा विद्या मैडम यही पढ़ाती है और इस वक्त उनका क्लास चालू है। ओ अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगा। ठीक है सर। पोपट अंकल क्या बोला? अरे ये कंफर्म हो गया कि विद्या जी शिवगंगा गाँव की सरस्वती प्राथमिक शाला में पढ़ाती है। लेकिन पोपट अंकल आपको ना बोलना चाहिए था ना कि विद्या जी को फोन दो। अरे उनका क्लास चल रहा था और वैसे भी वो अनजान आदमी से क्यों बात करेगी। तो अब क्यों करें? मुझे शिवगंगा जाना पड़ेगा, अपने दिल की बात विद्या जी तक पहुंचानी पड़ेगी। अरे बाप रे कितना दूर जाना पड़ेगा? अरे गोली बेटा तेरी आंटी के लिए तो मैं 7 समंदर पार जा सकता हूँ, ये तो फिर भी शिवगंगा है, यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। बस ऑल द बेस्ट पोपट अंकल। नहीं ऑल द बेस्ट नहीं बोलना है भाई, आप दोनों को भी मेरे साथ चलना है। ओके। तो क्या ओके? पोपट अंकल आने जाने में तो पूरा दिन लग जाएगा, घर पे की बोलेंगे? कोई बहाना बना देंगे यार। पकड़े गए तो होगी। पोपट अंकल के लिए इतना रिश्ता लेना पड़ेगा यार। वो एंगल भी सही है। हाँ। बराबर है। डोंट वरी पोपट अंकल, हम दोनों आपके साथ शिवगंगा गाँव आएंगे। वेरी गुड। अब कल सुबह ठीक 9:15 बजे मैं घर से निकलूंगा। गोली बेटा तू 9:30 बजे निकलना और गोगी बेटा तू 9:45 बजे निकलना। हम तीनों एमजी रोड के नाके पर मिलेंगे और फिर वहाँ से आगे जाएंगे। क्यों अलग अलग टाइम पे? तीनों को साथ में तो जाना है। अरे गोगी बेटा इसीलिए ताकि सोसाइटी में किसी को पता ना चले कि हम साथ में गए हैं। बराबर ठीक है पोपट अंकल, चलिए मिलते हैं कल सुबह। यार वार ढोल वोल भी लेके जाते हैं। ओह सही भाई, अभी सिर्फ मिलने जाना है, अभी हार ढोल नहीं है। ठीक है ठीक है, बाय 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 बच्चों बाय। बेबी तुम ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो? मम्मा मैं ब्लड डोनेशन कैंप में जा रहा हूँ, ब्लड डोनेट करने। सो प्राउड ऑफ यू बेबी। ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ हो रहा है ये कैंप और कौन कंडक्ट कर रहा है? मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ओह एक्चुअली पापा वो ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे एरिया में नहीं है, थोड़ा दूर है, तो मेरे फ्रेंड को सारी जानकारी है। वेरी गुड बेटा, वर्क फॉर गुड कॉज। थैंक यू बाबा। तो बेबी ब्लड डोनेशन के बाद जरूर कुछ खा लेना। हाँ हाँ नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। हाँ खाने का टेंशन लो ही मत मम्मा। तो मम्मा मैं चलूं? हाँ हाँ एक मिनट बेबी, मैं भी आती हूँ ब्लड डोनेट करने। नहीं नहीं आप नहीं आ सकते। क्यों? ओ मम्मा वो ब्लड डोनेशन कैंप का रजिस्ट्रेशन वो एक दिन पहले होता है, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए कर दिया था। ओ आपका रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होगा तब आपका रजिस्ट्रेशन मैं जरूर कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा और पापा का नाम रजिस्टर कर ही देना। हाँ डन 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 डन। ओके मैं चलूं, बाय मम्मा, बाय पापा, बाय बेटा। गोगी पुत्र, तू सारा दिन के लिए बाहर जा रहा है, ये तो बहुत चंगी गल है, लेकिन तू जा कितने रहे हैं? ये तो 10। कहाँ जा रहा हूँ? गोगी टिकरा, तुझे पूछना नहीं है, तुझे बताना कि तू किधर जा रहा है। वही तो सोच रहा हूँ। हैं? वो क्या है ना, हम सब दोस्त लोगों ने मिलकर ये तो सोच लिया कि हमें बाहर जाना है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कहाँ जाना है। अरे वाह, अभी तुम दोस्त लोग मिलकर प्लान बनाओगे कि जहाँ कितने, तो वाजिब, हाउ एक्साइटिंग। हेलो हेलो रोशन, तू ठंड रखा। गोगी डिकरा, तू सोनू, पिंकू, गोली के साथ जा रहा है ना? नहीं, फिर मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। किसके साथ? बंटी। बंटी, अच्छा, उसको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर तेरा फोन नहीं लगा ना तो मैं उसको फोन लगा लूंगी। मम्मा पूरा तो सुनो, मैं बंटी के साथ नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तू साहिल के साथ जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, साहिल के साथ भी नहीं जा रहा हूँ। वो मैं जिसके साथ जा रहा हूँ ना, आप उनमें से किसी को नहीं जानते। हम जिनको जानते नहीं है, ऐसे लोगों के साथ क्यों जाना है? ओए रोशन, ठंड रख, और तू तो ऐसे सवाल जवाब कर रही है जिसमें हमारा गोगी बच्चा स्कूल जाता है। और नहीं तो की रोशन, लेकिन जिस तरीके से बातें कर रहा है ना, मुझे चौकस दाल में कुछ काला लग रहा है। मम्मी जस्ट चिल, मैं अपने दोस्तों के साथ सिर्फ पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। जा पुत्र जा, और फुलटू धमाल करना, एंजॉय करना। अरे हाँ, देर सवेर हो जाना तो फोन करके सानू 10 देना है। ओके बाबा, ओके, सच में। रोशन, तू खामखा टेंशन ले रही है, हमारा बच्चा गबरू नौजवान है और लेट हिम एंजॉय। कहाँ रह गए ये गोगी और गोली? बहुत लेट हो जाएगा, क्या करूं, फोन करूं? नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेता हूं। अरे गोगी, गोली, गुड मॉर्निंग भाई, कहाँ रह गए थे? अरे पोपट अंकल, हमारे घर पे मम्मी पापा के सवालों की बौछार हो रही थी, पूछिए ही मत। हाँ, मेरी मम्मी भी इतने सवाल पूछ रहे थे कि क्या जवाब तो समझ में ही नहीं आ रहा था, बड़े मुश्किल से निकला। अरे क्या गोगी, इतने बड़े हो गए फिर भी एक छोटा मोटा झूठ नहीं बोल सकते? बट अंकल, आप ईमानदार पत्रकार होकर हमें झूठ बोलना सिखा रहे हो। ये गोगी, झूठ बोलना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी की भलाई के लिए छोटा मोटा बहाना बनाना पड़े तो चलता है। आप पोपट अंकल, वही तो हमने किया है, हम लोग बहाना बना के आए हैं। चलो भाई चलो चलो, अभी खाली रिक्शा मिल जाए। अरे एक मिनट भाई, रिक्शा क्यों ढूंढ रहे हो? तो शिवगंगा का हो तो चल के जाएंगे। अरे नहीं गोगी, क्या कुछ भी बोल रहा है, चल कर थोड़ी जाएंगे। यहाँ से बस डेपो तक रिक्शा में जाएंगे, बाद में एसटी बस है ना पोपट अंकल? अरे नहीं नहीं बच्चों, एसटी में भी नहीं जाना है, चल के भी नहीं जाना है। वो देखो, अरे मैंने स्पेशल कार बुक की है। पोपट अंकल, हम शिवगंगा गांव गाड़ी में जाएंगे। अरे भाई, शादी का मामला है, लड़की देखने जाना, ऐसे ही थोड़ी जाएंगे। वाह वाह, मजा आ जाएगा पोपट अंकल। हाँ, और वो गाड़ी वाला है ना, मेरी पहचान वाला है, मैं हमेशा किसी मिशन या स्टिंग ऑपरेशन के लिए जाता हूँ ना, इसी को लेकर जाता हूँ। वाह, तो फिर पोपट अंकल, मिशन शादी शुरू। अरे धीरे धीरे बच्चों, कोई गोकुलधाम वाला सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो चलो चलो। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट। दोस्तों, आखिरकार पोपटलाल ने सुधाकर मामा का अता पता तो निकाल ही लिया है। अब पोपटलाल निकल चुका है मिशन शादी के लिए, और मजे की बात यह है कि भिड़े को इस बारे में कोई अंदेशा तक नहीं है। क्या होगा जब पोपटलाल शिवगंगा पहुंचेगा? क्या उसकी मुलाकात विद्या जी से होगी? और अगर मुलाकात हुई तो क्या वो अपने दिल की बात बता पाएगा? दोस्तों, क्या होगा जब सुधाकर मामा को इन सब के बारे में पता चलेगा? दोस्तों, पंडित जी ने पोपटलाल से कहा है कि प्रवास के साथ साथ शादी के योग भी बन रहे हैं। क्या ऐसा सचमुच होगा? क्या पोपटलाल के रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी? और हाँ, क्या होगा जब भिड़े को ये सब पता चलेगा? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस मिशन शादी की वजह से बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो चलिए कल आपसे मुलाकात करेंगे शिवगंगा में, तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.